7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल है। दावा है कि दुबई के एक मुस्लिम संगठन ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने गए मुसलमानों के आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संगठनों का समर्थन मिल रहा है। इस कथित लेटर में लिखा है कि दुबई के एसोसिएशन ऑफ सुन्नी मुस्लिम ने कर्नाटक और अन्य राज्यों में 7 मई के मतदान में भाग लेने वाले मुसलमानों के लिए टिकट बुकिंग और पहले से बुक किए गए टिकटों की रिम्बर्समेंट सहित पूर्ण वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस कथित लेटर के मुताबिक इसका उद्देश्य इन चुनावों में फासीवादी ताकतों को हराना और मुसलमानों के सच्चे हितैषी कांग्रेस पार्टी को सत्ता पर काबिज करना है। अक्सर गलत जानकारी फैलाने वाले अरुण भुदुर ने ये लेटर ट्वीट किया और लिखा कि दुबई की एसोसिएशन ऑफ सुन्नी मुस्लिम कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कर्नाटक के मुसलमानों को पूरी तरह से वित्तीय सहायता दे रही है। और भी कई ट्विटर यूजर्स ने ऐसा ही दावा किया है, लेकिन ऑल्ट न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि ये लेटर फर्जी है। हमने सबसे पहले इस लेटर पर लिखे एड्रेस का गूगल सर्च किया। मालूम चला कि यह एड्रेस संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में स्थित पाकिस्तानी दूतावास के मुख्यालय का है। मतलब ये किसी सुन्नी मुस्लिम संगठन का एड्रेस नहीं है। इसके अलावा इस कथित लेटर पर 3 कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं। हमने जब इन नंबरों को सर्च किया तो पाया कि लेटर में मौजूद पहला नंबर दुबई के एक कॉफ़ी मशीन बनाने वाली कंपनी ने अपनी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। बाकी 2 नंबरों को हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक कोई जवाब नहीं मिला है। कुल मिलाकर इस लेटर में दी गई जानकारी फर्जी है और इस फर्जी लेटर को शेयर करते हुए यूजर्स झूठा दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संगठनों का समर्थन मिल रहा है।